फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं माय लाइफस्टाइल प्रीति चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इंपॉर्टेंट सी गर्ल्स के लिए टॉपिक। तो जी हां, ब्रा हैक्स लेके आई हूं, जो कि स्पेशली ये अंडर आपको 100 बोल सकते हो या फिर 100 ही प्रॉपर बोल सकते हो, क्योंकि 8 to 10 रुपीज़ के डिफरेंस में आया है मुझे। तो ये मैं मीशो से मंगाई हूँ और इस तरीके की पैकेजिंग थी। आजकल नॉर्मली छोटी चीज़ें आती हैं, तो उसमें ये इस तरीके की पैकेजिंग में ये मैं मंगाई हूँ। तो ये क्या है, ब्रा के जो पीछे हुक होते हैं ना बंद करने वाली, ये 3 मुझे अंडर 100 में मिले हैं। शायद ये वही 9 या फिर 7 रुपीज़ कम बोल सकते हो, तो अंडर 100 या फिर 100 ही मान लो। तो 100 में ये मुझे 3 कलर रिसीव हुए हैं। तो जनरली जो हमें लोकल मार्केट में या फिर हमारे पास जो पुरानी ब्रा होती है वाइट और गोल्डन में, तो ये हमें घर में मिल ही जाती है। बट जो कलरफुल ब्रा होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मुझे ये ब्लैक चाहिए होता है। अच्छा, ये था। सो ये 3 का ही कम्बिनेशन मिल रहा था, तो मैंने ये ले लिया। और ये देख सकते हो इसके हुक्स है, तो आप चाहो तो इसे यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ये हुक लगे हुए हैं, आप देख सकते हो हुक इससे फ्रंट का और इधर भी लगा हुआ है, दोनों साइड है। तो आप चाहो तो अगर दोनों साइड बीच से कट करके खुद से भी स्टिच कर सकते हो, चाहो तो आप टेलर से भी करवा सकते हो। ये छोटे मोटे काम अगर घर में है सिलाई मशीन वगैरह तो आप कर सकते हो, पक्की सिलाई हो जाएगी। हाथ से करोगे थोड़ा सा कच्ची रहेगी, टूटने की डर रहेगी, तो सिक्योर अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा डाउट रहेगा। तो इसलिए मशीन की सिलाई रहेगी तो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरी एक ट्यूब ब्रा थी, जो कि ऐसे बहुत सारे होते हैं जो हमारी कॉस्टली ब्रा होती है। कभी कभी हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो कभी कभी फ्री साइज़ तो लिखा रहता है, बट वो थोड़ा बहुत टाइट होने लगता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। या फिर आपकी कोई फेवरेट ब्रा है, आप पहले से थोड़ा हेल्दी हो गए हो, आपको टाइट हो रहा है बट काफ़ी महंगा है, आप उसे वेस्ट नहीं करना चाहते, बिजी हो जाओ तो फिर माइंड आउट हो जाता है। तो ये मेरी ट्यूब ब्रा है, जिसका मैं रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की हूँ। तो ये मुझे ऐसे तो ये फ्री साइज मिली थी, बट इसका जो ये चीज़ था ये थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा था, हल्का सा मुझे लग रहा था। जब मैं वियर कर रही थी, पहनती थी, तो लगता था थोड़ा सा मुझे इसमें अगर मैं कुछ ऐड करूँगी तो थोड़ा सा ये परफेक्ट साइज़ होगा। बहुत ज़्यादा मतलब टाइट रहता है तो अनकम्फर्टेबल भी लगता है। तो यहाँ से मैं बीच से कट करके दोनों साइड से जब हम जोड़ेंगे तब ये इक्वल आएगा बैलेंस में। बट अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों के साथ ये जो हुक है इसका, इसके साथ ये जो हुक है, जितना आपको लंबाई चाहिए उस हिसाब से ऐसे फोल्ड करके कर सकते हो, बट या फिर ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं फ़र्स्ट हुक पर ट्राई करती हूँ इसे। इसमें वैसे तो 3 हुक के लिए बना हुआ है और ये वाला थोड़ा सा पतला है, बट कोई नहीं, ये इनर है तो मैनेज कर सकते हैं हम इतना। तो या फिर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो आप देख लो कि थोड़ा सा इसके लेवल में मिल रहा है कि नहीं। ऐसे मैंने सर्च किया तो सब इतना ही इसी साइज़ का मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो ये हुक आते हैं वो इसी साइज़ के आते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ से आप कट करके दोनों पीछे साइड भी मोड़ लोगे तो इस साइड का जो एरिया है तो दोनों बैलेंस में आ जाएगा। ऐसे क्या होगा कि ये टेढ़ा हो जाएगा जब हम पहनेंगे, तो ऐसे वाला लुक आएगा। तो यहाँ से बीच से कट करके दोनों ही ऑप्शन है, अगर इस साइड टाइट हो रहा है तो इस साइड भी ऐड कर सकते हो, इस साइड टाइट हो रहा है तो इस साइड, या फिर दोनों इक्वल कर लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये परफेक्ट हो गया, आप देख सकते हो इसका। अभी तो मैं ऐसे ही अटका दी, बट आप अगर रेगुलर के लिए पहन रहे हो या फिर किसी बाहर के लिए, तो यहाँ पर आपको स्टिच, पक्की स्टिच करानी ही करानी होगी, क्योंकि बाहर जाने के लिए सेफ्टी ज़रूरी है। तो इसलिए अच्छे से अगर हम स्टिच करा के पहनेंगे तो उसे फिर ऐसे बंद कर लो। तो चलिए इसे हम ड्रेस पे ट्राई करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप ट्यूब ब्रा ले रहे हो ना तो हैवी ब्रेस्ट है, तो आपको सपोर्ट के लिए जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स आते हैं वो आपको लगाने ही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे नॉर्मली आप थोड़ी देर के लिए वीडियोज़ में रहते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर पूरे दिन बाहर के लिए जा रहे हो ना तो ये क्या होता है कि ऐसे मुड़ जाता है, तो फिर वो बैलेंस नहीं मिल पाता है इस पर। तो इसलिए आपको इसके स्ट्रिप्स ज़रूरी हैं। तो स्ट्रिप्स भी ऑनलाइन आपको मिलता है अलग से, तो आप चाहो तो मंगा के 3-4 वो भी इसी रेंज में मिलता है तो आप ले सकते हो। सो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। तो चलिए अब इसे हम टॉप के साथ पहनते हैं और देखते हैं मैं कितना कम्फर्टेबल हूँ इसके साथ और कैसा लग रहा है। You should have the same in your brain.
be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. मेरा आज का छोटा सा प्रायस वीडियो आप आई होप कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशली कल्स को हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही आती रहती हैं. सो इसका सोल्यूशन अब कितनी आसान हो गया है, कितना आसान हो गया ऑनलाइन. आप चाहो तो इस साइड को अपनी पुरानी ब्रा के साथ भी ट्राई कर सकते हो, पुरानी जो आपके इनर है उनको कट करके भी आप अटैच कर सकते हो. बट कॉस्टली है तो मैचिंग का रहेगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है, तो आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो. और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए. सो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय.